ऐसे ही सारे आइटम है राजमा की जगह। और ये कैलकटा कैफे की पेस्ट्री है, काफ़ी टेस्टी है, मैंने लास्ट ब्लॉग में भी डाला था और हम लोग आज ये खाना खाने के बाद खाएंगे फॉर श्योर। बनाने वाली चीज़ें ज़्यादा खास नहीं है भाई, ये गलत इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को कि सुबह 7 से 10 बजे तक है 24 आवर्स है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस और मेरी कैब नीचे आ चुकी है वहाँ और ये कैसल ने ये हालत कर दी है। बट एनीवेज वो रात भर उसने यही काम किया तोड़ने का, तो अभी निकलती हूँ नीचे बिकॉज लेट हो जाएगा तो वो चली जाएगी कैब। दिस इज़ दी कैब फैसिलिटीज़ जिसमें आगे एक बैठेगा, पीछे 3 एंड यहाँ 2। अभी कोई आया नहीं है, लेट्स सी अगर आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक। तो बस हम लोग ऑफिस के लिए निकल गए हैं। दिस इज़ माई कॉम्प्लेक्स। ऑफिस आ गए हैं, वेटिंग फॉर सिमरन, शी इज कमिंग। वहाँ दूर से आ रही है, हो रही है। लेट्स सी द जिम एरिया ऑफ कंसेंट्रिक्स। मैंने पहले एंट्री ले ली थी। दिस इज द जिम एरिया विच यू गाइस वॉन्ट्स टू सी, कि बताओ हमें कैसा क्या जिम है। हालांकि आई डोंट नो मच अबाउट दिस डंबल एंड ऑल, कितना केजीज का क्या है। और यहाँ पे ग्लव्स के साथ ही एंट्री है, मुझे बताया गया था, बट आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली है क्या। और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ओके, हर तरीके की है, जो भी इसको कहते हो। हाँ, ओके, दिस इज ट्रेडमिल एंड क्विक कार्डियो, दिस इज़ फॉर कार्डियो। Thank you so much. What's your name? Lakisha. I will upload this video on YouTube. Do you have any problem in this? No, no. Okay, okay. Thank you. So you come daily here? Yeah. Okay, nice. Shift ke saath saath? Yeah. Oh, wow, yeah, talented. Abhi. See. Huh? New joinee. Oh, hi new joinee. New joinees ne hi bola hai ki mujhe gym dikhao, to hum log wahi dikha rahe hain inko. Okay. Aur ye kya kehte hai isko? Cycling. Okay, cycling. सही है। और वो सब तो वेट वाला होता है, लिफ्टिंग वाला। सही है, नाइस, आई लाइक दिस जिम। लेकिन मैं यहाँ डेली नहीं आ सकती हूँ, आई एम सो सॉरी। ये सब भी है वेट उठाने वाला। हाय गुरजीत। हेलो गुरजीत, इज इन माय टीम। हम लोग सेम कैब में आए लेकिन हमें बाद में पता चला कि ओ ये बंदा तो मेरी उसमें ही है टीम में। ओके, तब हम ज़्यादा नहीं देंगे आपको। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो जिम। इसके अलावा इससे ज़्यादा डिटेलिंग में, ओके, आई विल शो यू वन मोर थिंग। यहाँ पे चेंजिंग रूम भी होगा ना? यस। ओके ओके ओके, थैंक यू। सो दीज आर द लॉकर्स जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो, एंड इस तरीके का है जो भी मतलब ऑफिस में आए हो चेंज करा चले गए। एंड दीज आर द चेंजिंग रूम, तो काफ़ी अच्छा चेंजिंग रूम है ये। यहाँ पे अपने पीछे कपड़े लगाइए एंड चेंज करके निकलिए जिम के लिए। सो 1 2 3 काफ़ी है। अच्छा, कैन यू टेल मी वन थिंग, व्हाट आर द टाइमिंग्स फॉर दिस प्लेस? टाइमिंग्स 24x6। अच्छा, संडे ऑफ है। मुझे किसी ने कहा था 7 से लेके रात के 10 बजे तक ही है, रात को नहीं चलेगा ये। ओके, सो गाइज ये गलत इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को कि सुबह 7 से 10 बजे तक है 24 आवर्स है, संडे ऑफ है बस, बाकी 6 के 6 दिन खुला हुआ है। एंड अच्छा है। सो हमारी पूरी टीम 6th फ्लोर पे वेट कर रही है। अभी हम लोग हैं वॉशरूम में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे बैकग्राउंड से। क्यों? क्योंकि सिमरन रेडी हो रही है, चिंटी सी रह गई थी तो चिंटी सी रेडी हो रही है। बिहाइंड द सीन दिखा देते हैं बस, ज़्यादा नहीं। ओके, तो हम लोग 6th फ्लोर में फिर सीधा सबके साथ जाके मिलते हैं। तो यहाँ बैठे हमारे सारे लोग। हाय, हेलो 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 हेलो, ओह माय गॉड,
हाय ओ हाय जेरेमी जेरेमी अच्छा ओके ओके हीज टॉम हीज जेरेमी कैफेटेरिया आ गया और सुबह नाश्ता करके नहीं आए हैं तो सबसे पहले हम करते हैं थोड़ा सा खान पी लेट्स सी कि हम लोग क्या खा रहे हैं अमित पानी अच्छा अमित ओके अमित वो जा रहे हैं हमारी क्वालिटी टीम में है वो और मैं पहचान गई उनकी शर्ट से तो अभी हम लोग कुछ खाने पीने जा रहे हैं लेट्स सी कि क्या खा रहे हैं सो गाइज दिस इज़ दी मेन्यू फॉर शोमार फूड जहाँ पे आपको थाली मिल जाएगी एंड उसमें से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको वेज बिरयानी चाहिए कि वेज थाली चाहिए कि नॉन वेज थाली चाहिए एंड काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है जैसे कि आप देख पा रहे हो 80, 70, 60 जिसमें आपको इतना सारा चीज़ें मिल रही है और एडिशनली अगर एडिशनली ऐड करना है तो यहाँ पर ये प्राइस है काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है मैंने लास्ट टाइम खाया था बट आज मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली क्या क्या मील्स में हैं और किस तरीके का टेस्ट है क्या है आई विल टेल यू एवरीथिंग तो ये आई डोंट रिमेंबर किसका क्वेश्चन था कि नॉन वेज एंड वेज थाली का दिखाओ मैंने एक डाला था तो उस पर उन लोगों ने बताया उसके बाद ही अब मैं बता सकती हूँ कि खाने के बाद की कैसा है कैसा नहीं है दिस इज़ अ कैफेटेरिया एरिया एंड ये अभी बंद है बिकॉज मैं सुबह सुबह आ चुकी हूँ यहाँ पर और काफ़ी अच्छा सेटिंग एरिया है एंड दिस इज़ दी शेक शॉप यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में है 50, 30 और क्या चाहिए इतने सस्ते प्राइस में ठीक है एंड नेक्स्ट इज़ अरोमा एस्प्रेसो कैफ़े एंड आई लव दिस प्लेस यहाँ पे सब कुछ ही टेस्टी है पास्ता एंड ऑल एवरीथिंग सब कुछ टेस्टी है यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है एज़ यू कैन सी कि मैक्स टू मैक्स ये 100 होगा लेकिन इस 100 में भी बहुत टेस्टी चीज़ है अदरवाइज खाने का आइटम बहुत सस्ता है 70, 40, 50 एंड ऑल ये चिकन विकन एंड एवरीथिंग इज सो रीजनेबल तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें एक्सपेंसिव फूड मिल रहा है या कुछ ऐसा काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है एंड ये प्लेस तो आप लोगों को पता ही है जहाँ पर मैं हमेशा 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 गार्लिक ब्रेड आगे खाती हूँ तो फ़िलहाल हम लोगों ने गार्लिक ब्रेड नहीं लिया है गार्लिक ब्रेड हम लोग बाद में लेंगे सो यहाँ पे भी शेक्स है वहाँ पे भी शेक्स है डिपेंड्स कि आपको कहाँ का टेस्ट पसंद आता है सारी मेन्यू ऑलमोस्ट रिपीट है तो डिपेंड करता है टेस्ट पे कि आपको कहाँ का क्या पसंद आता है एंड पैसे भी ऑलमोस्ट सेम ही है ठीक है तो बस टेस्ट का फ़र्क है एंड आई शो यू द गार्लिक ब्रेड मेन्यू बिकॉज मैंने वो पास से नहीं दिखाई थी तो किसी को समझ नहीं आया था कि कितने रुपये का एग्जैक्टली क्या चीज़ है सो दिस इज़ द मेन्यू फॉर फूड आइटम ज़ूम कर लेती हूँ ये है ये भी मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ता है यार ठीक है ये एक है प्लस दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आप डोसा एंड ऑल खा सकते हो ये भी मार्कस का ही है एंड यहाँ पे नूडल्स चाउमिन एंड ऑल सारी चीज़ें हैं जिसका पैसा भी बहुत कम है तो कुछ ऐसा वो नहीं है कि एक्सपेंसिव है या कुछ ऐसा एंड देर आर सम फ्यू प्लेस जो रह गई है तो वो और कवर कर लेती हूँ फिर चाय पीऊँगी बैठ के तो लेट्स गो ये दिवाली की पूरी सेलिब्रेशंस लग गई है सॉरी ओके सो ये एक और है कैलकटा शेफ जहाँ का भी शेक्स एंड ऑल है प्राइस ऑलमोस्ट सेम है डिपेंड ऑन योर टेस्ट ये वड़ा सांभर लाइक मार्कस दे रहा है ये सारी सैंडविच जो मार्कस भी दे रहा है प्लस एस्प्रेसो समथिंग भी दे रहा है तो काफ़ी अच्छा है डिपेंड्स बस कहाँ का क्या पसंद आता है तो यहाँ की पेस्ट्री बहुत टेस्टी है मस्ट ट्राई और ये कैलकटा कैफे की पेस्ट्री है काफ़ी टेस्टी है मैंने लास्ट ब्लॉग में भी डाला था और हम लोग आज ये खाना खाने के बाद खाएँगे फॉर श्योर आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट मतलब पूरा ये कैफेटेरिया एरिया तो अब जहाँ तक बात रही है खाने की तो वो अभी मैं पहले ऊपर फ्लोर पे जाऊंगी सामान रखूंगी बैग्स एंड ऑल उसके बाद फिर आऊंगी थोड़ा सा फ्री होकर अभी फ़िलहाल तो चाय पी के बिकॉज सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आई हूँ मैं तो सबसे पहले लेट मी हैव अ कप ऑफ टी और मेरी चाय भी ठंडी हो गई है सो यहाँ बैठ के इन लोगों की पार्टी शुरू भी हो गई है सो लेट मी इन्जॉय माई टी उसके बाद आपको सारी चीज़ें दिखा दें अभी एक सब्सक्राइबर मिला है उन्होंने मुझे दिखाया कि वो मुझे सब्सक्राइब करते हैं बच्चे
रितेश यू एंड विच प्रोसेस? ओके सिग्ना प्रोसेस जिसमें भावना दी जो मैंने दिखाया था वीडियो में. नाइस. तो कब ज्वाइन हुआ है तुम लोगों का? 11. नाइस. और मैं आपका जो चैनल है उससे मैं काफ़ी वो हुआ मतलब मुझे आइडिया मिला इस चीज़ का. अच्छा. ओके नाइस. चलो मैंने कहा था एक बंदा भी अगर मुझे दिख गया ना तो एक बंदे से दिख गया कि इसने ज्वाइन किया है. मैं आपसे मिलेगी मैंने प्रॉपर किया है. ओ भाई साहब सही है. तो हम मिल लिए हैं. इन्होंने मिलने के लिए ज्वाइन किया है. वाह इससे ज़्यादा क्या बात ब्लेसिंग्स होगी. यूट्यूबर बहुत कम मिलते हैं जहाँ मैं काम कर वर्क करता हूँ. एक्चुअली मैं इससे पहले कैपिटल हार्ले डेविडसन में था. वहाँ तो कोई वैसा नहीं था जिनका यूट्यूब चैनल चलता हो. ओके सो मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके. मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने काम पे कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ. ओके नाइस. अभी तो फिलहाल हम लोग वीडियो यहाँ पे. ओके नाइस. आई एम बिट ऑफ स्कैर्ड हाउ टू स्टार्ट सच काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज आई हैव कम लाइक आई कम फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली एंड जस्ट टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी शुड वी नीड टू हैव सम यू नो. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा है नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मैं तुम्हें इंस्पायर करूँगी. चंचल ठगेला. ओके सो नाइस. रितेश सॉरी मुझे नितेश याद आ गया. चंचल ठगेला पी एच बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. आई विश बट ऑल द लक. काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है. ओके सो गाइस ये सारे आइटम है. राजमा की जगह पनीर कर दो और राजमा तो फिर वो सेम ही टेस्ट हो जाएगा ना. ठीक है. और हाँ और ये कर दो. और कौन सी सब्जी खाओगे? पनीर के लिए. अरे नॉन वेज बात खा लेना. नॉन वेज भी खाली खत्म कर दो. हाँ प्लेन राइस सही है. वेज फिर राजमा करो. ठीक है. तो गाइस ये 70 रुपीज़ की थाली बन रही है वेज थाली. ठीक है. इसके बाद मैं आपको नॉन वेज थाली दिखाऊंगी. और ये है वेज थाली में. तो ये हमारी 70 रुपीज़ की थाली रेडी हो गई है. इसमें हम एडिशनली ले सकते हैं और सब्जी भी आप एडिशनली ले सकते हैं. दिस इज़ नॉन वेज बिरयानी और ये तरी है और इसके साथ रायता. आई डोंट नो नॉन वेज के साथ कौन खाता है. सिर्फ ये प्राणी खाती होंगी. हम तो नहीं खाते. खाती हो आप? क्या है यस प्याज तो खाते हैं. ये हमारी वेज थाली है जो ये दो वेजिटेरियन खाएंगे. प्योर वेजिटेरियन प्योर वेजिटेरियन. वो बैठा है नॉन वेज वो भी खा रहा है बिरयानी और ये सभी सेम. तो मैं इनके साथ ये खाने वाली हूँ प्लस वो भी खाने वाली हूँ. आपको टेस्ट बता दें. सो गाइस चम्मच तो मिली नहीं फिलहाल. मुझे शर्म आती है बड़ी. क्या बिरयानी इज क्वाइट ठीक ठाक नॉट दैट गुड. माँ तुम्हारे हाथों का खाना घर पे मिल सकता है. ठीक है मतलब भूख मिटाने वाली चीज़ है. ज़्यादा खास नहीं है भाई. What about पनीर? अभी तो खाया ही नहीं हमने. खा के देखो ना यार ये फोटो की पनीर एंड रोटी. रोटी तो बड़ी मस्त है यार. एकदम पतली पतली सी. अरे अच्छी है. और ये टेस्टी है. अभी चम्मच नहीं आई है तो राजमा चावल खा के बताएंगे बाद में. बाकी पनीर मुझे टेस्ट लगी. चिकन बिरयानी इज़ नॉट दैट गुड. आप देखते हैं चम्मच का वेट करते हैं. सो वी आर डन विद वेज थाली और अभी थोड़ी देर बाद आएंगे सिमरन के साथ तो वो करेंगे नॉन वेज थाली. तो उसका रिव्यू देंगे आपको कि कैसा क्या है. नॉन वेज में अभी मैंने सिर्फ बिरयानी खाई है. बाकी सब्ज़ी वगैरह खा के देखते हैं कि कैसी है कैसी नहीं है. चिकन बिरयानी इज़ नॉट दैट टेस्टी. तो हम लोगों ने गार्लिक ब्रेड ऑर्डर करा है और मैगी. हाय सिमरन. मीट सिमरन आफ्टर सो 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 लॉन्ग. हाउ आर यू? आई एम गुड. हाउ आर यू? सेम यू. बस हम लोग मैगी का वेट कर रहे हैं जब तक हम लोग अपना चीज़ गार्लिक इन्जॉय करते हैं. सबसे पंजाबी तड़का मैगी. सिमरन खा के बताओ. अच्छा पहले मैं खाऊँ.
हाँ क्योंकि मैं खा चुकी थी ना उसके साथ, सौरभ के साथ। सौरभ ने ली थी? हाँ उसी ने तो बताया स्पाइसी मैगी। तो लेट्स सी सिमरन को कैसी लगती है। टन टड़ा बताइए अच्छी है ना स्पाइसी एंड ऑल हमारे टेस्ट के हिसाब से। तो जिसको स्पाइसी पसंद है वो पंजाबी तड़का मैगी एस्प्रेसो से ज़रूर खाए। डन विद द फूड, नाउ वी आर गोइंग बैक टू फ्लोर और उसके बाद देखते हैं जब टाइम मिले। बिकॉज अभी क्लाइंट ऊपर ही बैठा है तो हम लोग बस फ्री होके ऊपर ही जा रहे हैं और फिर नीचे आते हैं, देखते हैं कुछ खाते हैं कुछ ऐसा। और खाते क्या है जो भी है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़े से ना क्वेश्चंस कवर कर दूँ जब तक बैठी हूँ, जब तक सिमरन खा रही है। सो गाइस यहाँ पर पीछे जो है वही HR डिपार्टमेंट है। सो लेट मी आंसर फ्यू ऑफ योर क्वेश्चंस जो जो लोगों ने पूछे थे। तो खोलते हैं हम लोग अपना चैट वाला कमेंट्स वाला सॉरी बॉक्स जितना कवर कर सकती हूँ मैं अभी उतना कवर कर लूँगी। ओके ओके दी हाउ डू आई क्रिएट बैठ जाओ कोई नहीं बस दो चार क्वेश्चन हाँ। हाउ डू आई क्रिएट माई रेफरल लिंक आई हैव रिसेंटली जॉइन कंसेंट्रिक्स एंड वर्किंग इन अमेजोन प्रोसेस। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक फॉर योर न्यू जॉइनी। और आपको रेफरल लिंक अगर बनाना है तो मैं नीचे एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगी जहाँ पर आप बैठ के सॉरी जहाँ पर आप क्लिक करके अपना रेफरल लिंक बना सकते हो। और यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा धूप आ रही है तो वहाँ पर सॉरी आप उस लिंक से अपना रेफरल लिंक उसमें अपनी डिटेल्स अपडेट करके उसमें अपना रेफरल लिंक जनरेट कर सकते हो। ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी वैकेंसी फॉर MBA HR सिस्टर। माइट भी हो सकती है और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हो और डायरेक्ट आके भी आप अपने मतलब पूछ सकते हो कि कौन कौन सी प्रोफाइल के लिए आपकी वैकेंसी है या नहीं है। ठीक है तो हाय मैम क्या अभी भी जॉइनिंग चल रही है, अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपना मैसेज छोड़ दो ताकि आई कैन गाइड यू प्रॉपरली। और मतलब आप वैसे भी कर सकते हो प्लस आप ऑफिस भी आके यहाँ पे डायरेक्ट आके विजिट कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। और हायरिंग यस हायरिंग चल रही है, आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग हैं तो हायरिंग तो बल्क में अभी हो ही रही है तो चांसेस है ज़्यादा होने के सेलेक्ट। कैन यू एक्सप्लेन मी इंग्लिश लैंग्वेज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर CNAs। येस इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जॉइन इन कंसेंट्रिक्स बिकॉज यार MNC है और कम्युनिकेशन स्किल्स तो चाहिए ही चाहिए। ओके नेक्स्ट इज मैं नहीं आया, कॉल आई है, हम पास हो गए हैं MCAT में, प्लीज़ रिप्लाई अभिषेक। ओके मेल नहीं आया है। ओके अभिषेक अगर मेल नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे अपना डिटेल्स सेंड कर देना इंस्टाग्राम पे ताकि मैं मतलब पूछ लूँ अगर आपने मेरे लिंक से यूज़ करा है तो, अदरवाइज़ आपको यहीं पे आके विज़िट करना होगा। हाय मैम कौन सी शिफ्ट चल रही है आपकी। मेरी अभी नाइट शिफ्ट चल रही है लेकिन फ़िलहाल क्लाइंट विज़िट के लिए मैं सुबह में आई हूँ और कल भी सुबह आऊँगी और परसों भी सुबह आऊँगी। हेलो चंचल मैंने MCAT दिया है, उनका मेल आया है कि आपको ऑफिस आना होगा, क्या ऑनलाइन होता है सब। इट इज़ मैंडेटरी टू गो ऑफिस फॉर फर्दर प्रोसीजर। सो येस अगर आपके पास मेल आया कि विजिट ऑफिस देन यू शुड विजिट ऑफिस बिकॉज क्या है ना कि कुछ कुछ चीज़ें तो वो लोग कर रहे हैं कि ठीक है मतलब कि ऑनलाइन हो जा रहा है लेकिन अगर वो आपको लिख के मेल पे दे रहे हैं कि कम एंड विजिट द ऑफिस तो दैट मीन्स कि आपका एक ही दिन की चीज़ें पेंडिंग है और वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी और आपका सिलेक्शन या फिर जो भी होगा मतलब सपोज नहीं होते हो सेलेक्ट तो वो सब कुछ एक ही दिन में आपको बता देंगे। तो अगर आ रहा है मेल कि यू शुड विजिट ऑफिस देन यू शुड कम हेयर एंड विजिट दिस प्लेस। ठीक है और अगर दिस प्लेस या फिर जो भी उस मेल पे लिखा हो कि कौन से फ्लोर पे आना है कौन से फ्लोर पे नहीं आना है वो। ओके
ओके आई ज्वाइन कंसेंट्रिक्स ऑन 29 सितंबर लास्ट मंथ. अच्छा आप ये बता सकती हो कंसेंट्रिक्स में बैकग्राउंड के लिए कितने दिन लगते हैं और अगर मेरा BGC ग्रीन आया है तो हमको कैसे पता चलेगा. ओके तो बैकग्राउंड चेक के लिए मतलब हार्डली 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, अदरवाइज शॉर्ट में तो 3-4 दिन में हो जाता है. और सिमरन दिशा की कॉल आ रही है. दिशा ओके तो मतलब हार्डली 15 दिन में हो जाता है और अगर ग्रीन हो गया है तो उसके बाद कुछ नहीं करना होगा. उसके बाद आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि क्या करना है, क्लाइंट नहीं सॉरी TL बताएगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है. और अभी फ़िलहाल मेरे मैम का कॉल आ रहा है तो हम लोगों को ऊपर फ्लोर पे जाना होगा. तो मैं बाकी के क्वेश्चन सारे बाद में कवर करूँगी, फ़िलहाल मैं ऊपर भागती हूँ. एंड आई एम सो सॉरी अभी मैंने बहुत कम कवर कराया है, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाऊँ. एंड वैसे मोस्टली क्वेश्चंस तो रिपीट है, बाकी अगर कुछ मिस हो रहा है तो प्लीज़ 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 अपना कमेंट छोड़ देना क्योंकि मुझे बैक टू बैक 2 दिन आना है तो आई कैन कवर ऑल सच थिंग्स. पीछे यू ब्लॉग का मैं कल बनाने वाली हूँ और बाकी देखती हूँ, मतलब जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे बना लूँगी. तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि जो भी आपकी क्वेरी आप प्लीज़ ड्रॉप कर दो. और फिलहाल तो हम लोग ऊपर चल रहे हैं बिकॉज क्लाइंट फ्लोर पर आ चुका है और मैं और सिमरन नीचे आए हुए हैं तो अभी हम लोग दोनों की बहुत ज़्यादा ऊपर ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. चलो बेटी अब हम लोगों के लिए फ़ोन आ चुका है तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर. मैम फ़ोन नहीं उठा रही है मैम खुंदक निकाल रही है. तो ठीक है हम लोग ऊपर जाते हैं फिर वापस आते हैं नीचे क्लाइंट से फ्री होने के बाद फिर कैरी ऑन करते हैं इसको. बाय बेटा मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, नहीं तो मेरे घर के बच्चे चिढ़ जाएंगे, उन्हें स्मेल आएगी और वो चिढ़ेंगे फिर ना. सो गाइज आज की जितने क्वेश्चंस कवर कर सकती थी कर लिए हैं. आई ट्राई माई बेस्ट कि बाकी भी मैं कवर कर लूँ. एंड और क्या कहते हैं बाकी देखते हो अगर कवर कर पाती हूँ तो. अभी फ़िलहाल मैं वापस से ऊपर जा रही हूँ. ठीक है आए थे नीचे हम लोग, अभी वी आर गोइंग बैक अगेन और देखती हूँ कवर ऑफ है. बाय दिवांश. बाय बाय. अमन तुम आ रहे हो हमारे साथ, चलते चलते बात करो 6:30 बज जाएंगे. सो हम लोग जा रहे हैं यू ब्लॉग, जल्दी से कुछ खाएंगे और फिर जल्दी से वापस आ जाएंगे बिकॉज कैब का टाइम हो चुका है. हम लोग जा रहे हैं यू ब्लॉग, तो वही हो जड़ गया जहाँ पे हमने लास्ट टाइम मैगी खाई थी. अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब जा तो यू ब्लॉग रहे लेकिन खाते क्या है. तो जहाँ सोचा था वो सब कुछ हट चुका है, मेट्रो प्रॉपर्टी पे वो शायद बना हुआ था इसलिए हट चुका है. एक तो वो मैगी पॉइंट प्लस एक यहाँ पे था. अब यहाँ पे देखते हैं कुछ खाते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं. क्या हुआ तो हम यहाँ से खा रहे हैं. नहीं खींचो खींचो जल्दी जल्दी खाइए. सो गाइज बाय 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 बाय. इस ब्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं ख़त्म और जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो करेंगे कल कवर. तो काफ़ी मज़ा आया आज और सारी चीज़ें साथ साथ में कर ली, ब्लॉग भी बन गया, क्लाइंट भी हो गया, सब कुछ हो गया. अब देखते हैं कल टाइम जैसे जैसे निकालेंगे ऐसे ही और किस तरीके से ही कवर कर लेंगे सारी चीज़ें. बाय.